हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं ये लेके आई हूँ पैटर्न। देखिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है पैटर्न। और फ्रेंड्स, आप ये बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हो। इसे आप मफलर में भी डाल सकते हो कि साइड पे आप उल्टे उल्टे स्टिचे डाल करके इसे का बॉर्डर बना सकते हो। और ये वैसे भी ये कर्ल नहीं हो रहा, तो वैसे साथ में अगर हम उल्टे उल्टे स्टिचेज की पट्टी चलाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और फ्रेंड्स, ये बनाने में भी इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज इस वीडियो में बनाते हैं इसे। फ्रेंड, इस पैटर्न को बनाने के लिए हम ये दो कलर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 नंबर निटिंग नीडल्स। और आप जिस तरह की भी वूल यार्न यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आप निटिंग नीडल्स का यूज़ करोगे। तो चलिए बनाते हैं इसे। और फ्रेंड्स, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें स्टिचे चाहिए मल्टीपल ऑफ 10+3। और जिस भी प्रोजेक्ट में आपने डालना है तो आप स्टिचेज लोगे 10, 10, 10 के हिसाब से लेते हुए लास्ट में +3 करोगे। और यहाँ पर डेमो के लिए लिए मैंने 23 स्टिचे, 10 2 आर 20+3 23 स्टिचे। और ये 16 रोज़ का पैटर्न है। 8 रोज़ हमारी पैटर्न की है, वो उसके बाद 8 रोज़ सेम रिपीट होती है, लेकिन उसका जो प्लेस है पैटर्न का वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये 16 रोज़ का पैटर्न है। और ये हमारी है फर्स्ट रो राइट साइड से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 2। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम जाली नहीं बनाएंगे। ये वाला फंदा इस तरह से, देखिए ये वाला फंदा जो है इस तरह से ये उठाएंगे और इसे बना लेंगे। अब ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। इसके बाद 3 फंदे सीधे, इंक्रीज 1, निट 3। 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे, अब 3 का एक करेंगे। अब 3 का एक आप ये वाला बीच वाला स्टिच लाइए, इसे इस तरह पलटा करके डालिए। और ये 3 का एक करेंगे, निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ पर 2 कम हो गए। अब हमारा एक स्टिच कम है। अब फिर 3 फंदे सीधे, निट 3। इसके बाद फिर हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ से इस तरह से ये स्टिच उठाएंगे और इसे बना लेंगे। अब हमारे स्टिच इक्वल हो गए। अब एक फंदा सीधा, अब हमारा रिपीट पैटर्न ओवर। ये 2 फंदे छोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। ये 10 फंदों का रिपीट पैटर्न चलेगा। ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा है, उसके बाद 10 फंदों का यही रिपीट करेंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीज़ वन यहाँ किया, एक फंदा सीधा, और फिर इंक्रीज़ वन करेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 फंदे सीधे, फिर 3 का एक करेंगे। अब पहले मैंने 3 का एक बताया था कि ये फंदा आगे लाओ, आप इस तरह से भी कर सकते हो। 3 का एक हमने इस तरह से, ये वाला फंदा इधर लोगे, ये वाला इस तरह से, दोनों इकट्ठे स्लिप करके उठा के डाल दीजिए। इस तरह से भी 3 का एक कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगता है। 3 का एक, निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, नाउ निट 3। 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, फिर इंक्रीज 1। अब यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर, सॉरी निट 1, यहाँ पर रिपीट पैटर्न ओवर। अब ये 3 फंदे एक्स्ट्रा थे, 2 यहाँ बनाए, एक ये रह गया, और लास्ट में ये निट 1, एक फंदा सीधा लास्ट में। अब रॉन्ग साइड से रो 2 पर्ल ऑन द स्टिचे, सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब रो 3 राइट साइड से, अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर अब हम ये एक स्टिच इंक्रीज करेंगे इस तरह से, पहले यहाँ किया था, देखिए ये इस तरह से जाएगा, इंक्रीज 1। अब निट 2, पहले 2 फंदे सीधे बनाए थे, 3 बनाए थे सॉरी, अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 2। अब देखिए यहाँ पर 3 का एक किया था, ये वाला सेंटर वाला फंदा है, और फिर इन 3 का एक करेंगे,
आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप तीन का एक कर सकते हो, बस चेन बीच में आएगी वो सुंदर लगेगी। निट थ्री टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब निट टू, दो फंदे सीधे। अब इंक्रीज वन। अब देखिए इस तरह से ये इसको उठाएंगे और ये फंदा इस तरह से बना लेंगे। अब तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, और ये हमारा रिपीट पैटर्न ओवर। अब ये तीन फंदों के बाद रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ था, टू फोर सिक्स एट टेन। अब यही हम रिपीट करते जाएंगे। अब फिर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज वन निट टू वन टू। अब ये वाला स्टिच आ गया, यहाँ पर हम इस तरह से तीन का एक करेंगे, फिर निट टू दो का एक करेंगे, फिर इंक्रीज वन, और ये तीन फंदे रह गए ये सीधे बनाएंगे निट थ्री, और रिपीट पैटर्न ओवर। अब रॉन्ग साइड से रो फोर्थ पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, उल्टे फंदे बना करके रो कंप्लीट कर लेंगे। अब रो फिफ्थ हैं राइट साइड से, अब निट फोर, चार फंदे सीधे बनाएंगे। अब इसके बाद रिपीट करेंगे, यहाँ से ये एक इंक्रीज करेंगे, और देखिए ये इंक्रीज करने वाला जो इस तरह से बनता जाएगा ऐसे, और अब एक फंदा सीधा बनाएंगे निट वन। अब देखिए ये फंदे पे के साथ तीन का एक हो रहा है, यहाँ पर तीन का एक करेंगे इस तरह से, दो फंदे पलटा करके तीन के बैक साइड से एक कर देंगे, निट थ्री टुगेदर थ्रू बैक लूप, निट वन, एक फंदा सीधा, इंक्रीज वन। अब देखिए ये वाला स्टिच इस तरह से उठाएंगे, इंक्रीज वन, ये देखिए ऐसे बनता जाएगा ये। अब निट फाइव, पांच फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए ये फाइव फंदे हो गए, इंक्रीज करते करते यहाँ पर इस तरह से इधर इंक्रीज हो रहे हैं, ये इधर को हो रहे हैं। अब फिर ये वाला स्टिच इस तरह से उठा लेंगे, इसके बाद निट वन, एक फंदा सीधा, और फिर ये पलटाएंगे, तीन का एक करेंगे और एक फंदा सीधा, उसके बाद फिर इंक्रीज वन, और लास्ट में हमारे पास चार फंदे हैं ये सीधे बनाएंगे नेट फोर। अब है सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से। अब रॉन्ग साइड से अब हम सेकेंड कलर लगाएंगे, ये हमारा कलर क्रीम है, और यहाँ पर हम दो फंदे स्लिप करेंगे, वन और टू, इस तरह से बिना बुने उतारेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे बनाएंगे पर्ल थ्री, वन टू एंड थ्री। अब इसके बाद स्लिप थ्री, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, स्लिप थ्री पर्ल सेवन, सात फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, फिर स्लिप थ्री, तीन फंदे बिना बुने उतारेंगे, और अब लास्ट में हमारे पास जैसे इधर थे तीन फंदे उल्टे पर्ल थ्री, और ये दो फंदे स्लिप करेंगे। अब देखिए ये वाले फंदे हमने स्लिप करने हैं, जो हमारे ये तीन का एक करते जा रहे हैं, एक इस साइड का लेंगे एक इस साइड का, ऐसे यहाँ पर ये वाले फंदे ध्यान रखना है, ये तीन हमने स्लिप करने हैं, और ये वाले जो हमारे इंक्रीज होते जा रहे थे ये सेवन फंदे जो हैं ये हमने उस साइड से उल्टे बनाने हैं। अब हमारी रो सेवन्थ है राइट साइड से, ये जो फंदे हमने स्लिप किए हैं उन्हें हम स्लिप करेंगे, स्लिप टू, थ्रेड आगे लाएंगे, ये थ्री फंदे हैं इसे उल्टा बनाएंगे,
पर्ल थ्री, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे। उधर हमने रॉन्ग साइड से जब स्लिप किया था तो थ्रेड हमारे आगे ही रहा था। अब हमने इसको बैक साइड थ्रेड करना है, फिर हमने ये स्लिप करनी है ऐसे, फिर थ्रेड आगे लाना है और इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना, नहीं तो ये स्टिच इकट्ठे हो जाएंगे। और अब ये सेवन फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल सेवन, ये दोनों तरफ से उल्टे ही बनेंगे। ये उल्टे बनाए, अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, स्लिप करेंगे, वन टू थ्री, थ्रेड अपनी तरफ लाएंगे और ये तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल थ्री। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, स्लिप टू, इसी इस तरह। अब ये हमारा इस तरह से बन गया। अब इस कलर की हमने ये टू रोज ही बनानी है। अब रो हमारी है एट्थ रॉन्ग साइड से। अब हमने ये कलर अपना ग्रीन कलर लगाना है और ये सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो बना लेंगे। अब फ्रेंड जी, एट्थ रो हमारी रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये पैटर्न, इस तरह से हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब पैटर्न ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये वाला पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पैटर्न यहाँ स्टार्ट होगा। अब हमने क्या करना है, जो हम इंक्रीज कर रहे थे इसके, इस फंदे के इधर इंक्रीज़ करेंगे, इधर इंक्रीज़ करेंगे। जो यहाँ पर तीन का एक कर रहे थे वो तीन का एक, जो सेवन स्टिचेज हैं हमारे पास टू, ये वाले जो वाइट कलर के ग्रीन कलर के, तो ये वाले टू टू छोड़ेंगे, यहाँ पर तीन का एक करेंगे बीच वाला। तो इस तरह से हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर वाले तीन जो हैं सेवन में से तीन का एक करेंगे और ये जो बीच वाला फंदा है इसके दोनों तरफ हम बढ़ाने शुरू करेंगे, जो इंक्रीज़ करेंगे। अब हमारी है नाइन्थ रो। अब हमने इसी कलर से बनाना है नाइन्थ रो। चार फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, ये वाले चार फंदे सीधे बनाए। इसके बाद ये वाले स्टिचेस दो का एक करेंगे। अब हमारा जो रिपीट बनेगा, रिपीट पैटर्न, इस फंदे के दोनों साइड इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर इंक्रीज़ किया इस तरह से और इसको सीधा बनाया, इंक्रीज़ वन निट वन, फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, इंक्रीज़ वन। अब तीन फंदे सीधे बनाने हैं। अब देखिए दो तो वाइट लेंगे, एक ये वाला फंदा है, वन टू थ्री, तीन फंदे सीधे। अब ये वाले तीन का एक करेंगे, ये हमारा सेंटर में आएगा फंदा, जो सेवन स्टिचेस के बीच वाला फंदा है वो सेंटर में ही रहेगा, तीन का एक। अब ये वाले तीन फंदे सीधे आएंगे, ये दो और एक ये वाला, वन टू एंड थ्री। अब ये वाला हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, और ये फंदा सेंटर वाला, इसे हमने सीधा बनाना है निट वन। अब ये इंक्रीज़ वन। अब इसके बाद ये वाले स्टिचेज ये जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, इन दो का एक करेंगे, दो का एक, निट टू टुगेदर, और ये फोर स्टिचेज रहेंगे, इन्हें हम सीधा बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर। अब हमारी है टेंथ रो रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेज, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टे फंदे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब इलेवंथ रो राइट साइड से, पहले चार फंदे सीधे बनाए थे, अब तीन बनाएंगे, निट थ्री, वन टू थ्री, तीन फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पर दो का एक किया था ये वाले फंदे के साथ, अब यहाँ भी दो का एक करेंगे इस तरह से, निट टू टुगेदर। अब यहाँ पर हमने इंक्रीज़ करना है, यहीं से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, निट इंक्रीज़ वन, सॉरी इंक्रीज़ वन। अब ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे क्योंकि ये एक एक फंदा इंक्रीज़ हो गया था दोनों तरफ, तो ये निट थ्री, तीन फंदे सीधे और फिर यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद
ये फंदे निट टू, दो फंदे सीधे, यहाँ पर ये तीन का एक या इसके साथ किया था और फिर यहीं पे तीन का एक करेंगे। निट थ्री टुगेदर थ्रू बैक लूप, फिर दो का एक करेंगे, सॉरी दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर इंक्रीज वन, ये फंदा इस तरह से लेकर के ऐसे बनाएंगे और ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, निट थ्री, और फिर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। अब ये लास्ट में है तो लास्ट वाले पैटर्न के साथ यहाँ पर दो का एक करना है। जितने भी हमारे पैटर्न होते हैं आप रिपीट करते जाओगे, बनाते जाओगे, लास्ट वाले पर यहाँ पर दो का एक करेंगे और ये निट थ्री, तीन फंदे सीधे। अब रो ट्वेल्थ रॉन्ग साइड से सारे फंदे सीधे बनाएंगे, उल्टी सिलाई है ये हमारी, तो सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब थर्टींथ रो है राइट साइड से, अब देखिए यहाँ पर ये बनने लग गया, पहले यहाँ से ये स्टिच बनना था, अब यहाँ पर बन रहा है। अब निट टू, दो फंदे सीधे, निट टू टुगेदर, अब देखिए यहाँ पर दो का एक हो रहा है तो ये दो फंदे हम दो का एक करेंगे, निट टू टुगेदर। अब इसके बाद देखिए ये इस तरह से बन रहा है और ये अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है ये फंदा हम उठा लेंगे, ऐसे इंक्रीज वन, यहाँ से पीट पैटर्न स्टार्ट। अब फाइव फंदे सीधे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, अब देखिए यहाँ पर इंक्रीज़ किया तो अब ये फाइव फंदे सीधे, अब यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे ये फंदा, देखिए इस तरह से जाली बन रही है ना, वैसे हमने जाली नहीं बनानी थ्रेड रैप करके। अब इंक्रीज वन, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, निट वन, अब यहाँ पर तीन का एक करेंगे। अब इस तरह से भी कैसे भी कर लीजिए, एक जैसा ही बनेगा। तीन का एक, निट थ्री टुगेदर थ्रू बैक लूप, देखिए ये भी वैसे ही बन जाता है। अब निट वन, एक फंदा सीधा, अब देखिए अब ये जाली इधर को जा रही है, अब इस तरह से बनाएंगे, इंक्रीज वन, अब निट फाइव, पांच फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया, उसके बाद पांच फंदे सीधे, अब यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। अब इंक्रीज वन, अब दो का एक करेंगे, आप ऐसे रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में जब आप आओगे जितने भी पैटर्न होंगे आप बनाते जाओगे, अब लास्ट में ये दो का एक करोगे, निट टू टुगेदर, निट टू, दो फंदे सीधे। अब हमारी है 14th रो रॉन्ग साइड से, अब हमने ये थ्रेड लेके जाना है, इससे स्टार्ट करेंगे और पहले हमने ये स्टिचेस थ्री, वन टू थ्री, ये हमने इस तरह से स्लिप करने हैं, बिना बुने उतारने हैं। उसके बाद हमने सेवन फंदे बनाने हैं इस कलर से, क्रीम कलर से, पर्ल सेवन, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब तीन फंदे स्लिप करेंगे। अब देखिए इसमें हमने ये वाले तीन फंदे स्लिप करने, पहले भी ऐसे किया था, ये वाले फंदे बिना बुने उतारे थे, अब भी ये वाला स्टिच होगा, एक इस साइड का और एक इस साइड का, स्लिप थ्री, पर्ल सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, लास्ट में हमारे पास थ्री स्टिचेस बचेंगे, इससे हम इस तरह से स्लिप करेंगे, नहीं तो यहीं से टर्न भी कर सकते हो आप, ये बिगनर्स के कारण ये इसीलिए बता रही हूँ आपको। और अब फिर ये स्टिच उतारनी है तो आप वहीं से टर्न कर सकते हो, इस तरह से स्लिप थ्री, ये हमारी है रो नंबर 15 और यहाँ पर ये फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल सेवन, स्लिप थ्री, पर्ल सेवन, ये रिपीट पैटर्न चलेगा हमारा। अब थ्रेड बैक साइड करेंगे, फिर स्लिप करेंगे, ये ध्यान रखना है, थ्रेड बैक साइड रहेगा राइट साइड से जब रो बनाएंगे।
अब फ्रंट साइड थर्ड लाएंगे और उल्टे फंदे बनाएंगे सेवन। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे और इन्हें स्लिप करेंगे इस तरह से। अब हमारी है 16th रो रॉन्ग साइड से एंड लास्ट रो ऑफ द पैटर्न और ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस और अब हमने ग्रीन कलर से बनानी है ये रो। हमने क्रीम कलर की टू रोज बनानी है। तो फ्रेंड देखिए ये लास्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली। 16 रोज़ का ये पैटर्न है। अब जब हम थोड़ा सा बना लेंगे, दो तीन रोज़ और बनाएंगे तो इसकी शेप भी इसी तरह बन जाएगी। अभी ऐसे दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइए, इसे ट्राई कीजिए, किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए तो देखिए ये कितने सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में आप उस हिसाब से बना सकते हो कि आप किसके लिए बना रहे हैं। तो चलिए बनाइए, ट्राई कीजिए इसे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।